हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी ने एमटीएस पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड को और आपका एप्लीकेशन स्टेटस को रिलीज कर दिया है, तो हम वही देखेंगे कि आप उसे कहां से और कैसे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की डेट, शिफ्ट, आपकी सिटी क्या है, आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देखिएगा इस वीडियो को टिल लास्ट। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू विजिट माय चैनल फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई चैनल्स वीडियोज़ एंड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड को देखने के लिए आपको एसएससी के इस ऑफिशियल पेज पर आ जाना होगा। देन आप यहां से अपने रीज़न को चूज़ कर सकते हैं कि आप किस रीज़न से बिलोंग करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सभी रीज़न दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। देन फ्रेंड्स, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखकर आ रहा है स्टेटस डाउनलोड, तो आपको उस पर ही क्लिक कर देना होगा। एंड फ्रेंड्स, अब इस तरह से पेज ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ से प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो गया है आपके पास। आपके एडमिट कार्ड को देखने के लिए यहाँ पे तीन तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर जो हेडिंग दी गई है आप उसको पढ़ सकते हैं, स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 टू बी हेल्ड फ्रॉम 2/8/2019 टू 22/8/2019। मींस आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 2 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 22 अगस्त तक चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो तरीका है उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए होगा। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपने जो एग्ज़ाम सिटी चूज़ की थी वो फिल करनी है। देन आपको इसका कैलकुलेट करके आंसर देना है। देन आपको यहां से सर्च कर देना है। फ्रेंड्स, यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, आप सोच रहे हैं कि आप इसे कहाँ से देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स, जब आपने इसका फॉर्म फिल किया था उसके बाद प्रिंट आउट लिया था तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा और आपने एग्ज़ाम सिटी क्या चूज़ की थी वो भी आप उसे वहां से देख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है प्रिंट आउट और मोबाइल में भी आपके डाउनलोड नहीं है, तो आप अपनी ईमेल आईडी पर SSC MTS डालकर चेक कर सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। देन फ्रेंड्स, जो सेकेंड वे है इसको चेक करने का, वो आपका रोल नंबर से है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना होगा जो कि आपके फॉर्म के फाइनल प्रिंट आउट में होगा और आपकी ईमेल पर भी होगा। और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिटी डालनी है, कैलकुलेट करके इसका आंसर देना है, देन सर्च करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता है, रोल नंबर भी नहीं पता है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना है, अपना फादर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, एग्ज़ाम सिटी फिल करनी है, देन कैलकुलेट करके इसका आंसर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सर्च पर क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सबसे पहले नेम दिया गया होगा और उसके बाद आपके फादर का नेम दिया गया होगा। देन आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आपका रोल नंबर। तो फ्रेंड्स, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपकी ही है या इसमें कुछ गलत है। देन यहाँ पे आपका एग्ज़ाम डेट दी गई है जो कि 13 अगस्त है और आपकी जो एग्ज़ाम शिफ्ट है वो मॉर्निंग की शिफ्ट होगी और आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग सुबह 9 AM से 10:30 AM तक होगी और आपकी एग्ज़ाम सिटी झांसी है। आपके फॉर्म का स्टेटस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट लिखा है आपके लिए, योर एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2019, यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट योर एडमिट कार्ड फ्रॉम 6/8/2019। तो फ्रेंड्स, जो आपका एडमिट कार्ड है आप उसे आपकी एग्ज़ाम डेट के सिर्फ 7 डेज पहले ही चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। देन फ्रेंड्स, यदि आप बैक पर जाना चाहते हैं तो बैक कर सकते हैं। यदि आप किसी और फ्रेंड का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक फॉर अनदर कैंडिडेट लिखकर आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा और आप
अगले कैंडिडेट का चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए और इस तरह से अपना फॉर्म स्टेटस, अपनी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट और एग्ज़ाम सिटी को चेक कर लीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन में भी लग जाइए, उसका रिवीजन कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे चेक करना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपके लिए ही, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे ऐसी ही मोर वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।